असलम हूं डॉक्टर नाइशर फान सीनियर मीडिया एंकर पर्सन उर्दू पॉइंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान का मुझे अप्रोच करने के लिए और मुझसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर एक मैसेज लेने के लिए ब्रेस्ट कैंसर ख़वात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है पूरी दुनिया में ना ही सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हर आठ में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो जाने का खदशा होता है अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड अब काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ख़ात को बताया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया और सबसे ज़्यादा अफेक्टिव काम तो मेरे ख़्याल से वो जो मोबाइल की और रिंग टोन में उसके रिलेटेड पैगाम देना था वो था ब्रेस्ट कैंसर अब क्या चीज़ है ख़वा में आ, कुछ इनके अलामत होते हैं वो मैं चाहूँगी तमाम ख़ातन को इस बारे में पता हो अगर कोई ख़ातून देख रही है कि उसका आ, उसकी छाती से कोई मवाद निकल रहा है कोई किसी भी किस्म का लाल रंग का या सफ़ेद रंग का या गाढ़े रंग का अगर उसको लग रहा है कि उसकी छाती आपस में दोनों एक जैसी नहीं है अगर एक सुकड़ गई है एक ऊपर हो गई है अगर उसका जो निपल है वो अंदर की तरफ हो गया है अगर ख़वातन को कोई गिल्टी महसूस हो रही है वो गिल्टी जो उनको लग रहा हो बहुत सख्त हो रही है वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और उस गिल्टी का माहवारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है ये कुछ अलामत हैं इसके अलावा वो गिल्टी जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर की हर गिल्टी दर्द वाली हो वो गिल्टी एक ऐसी गिल्टी होती है जो बस निकलती है बड़ी हो जाती है ज़रूरी ये चीज़ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि जो कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक किताब में लिखा है कि उस गिल्टी की यही नोयत होनी चाहिए अलग अलग किस्म के उनके करैक्टर भी हो सकते हैं अलग किस्म की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं जिसमें वो गिल्टी सख्त भी हो सकती है नरम भी हो सकती है हिलने वाली भी हो सकती है जो अपनी जगह से हिल सकती है जो अपनी जगह से ना हिल सकती हो वैसी भी हो सकती है इन शॉर्ट ख़वात अपना मुआन अपने लिए कम से कम पाँच मिनट अगर रोज़ाना निकाल सकती हैं रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा अपने लिए पाँच मिनट निकालें अपना मुआन करें अगर उनको लग रहा है कि कोई छोटी सी भी चीज़ हो उसके बारे में बिल्कुल ना घबराएं और फ़ौर अपने घर वालों को बताकर डॉक्टर के पास जाएँ अगर उनको लग रहा है कि मैं मेल डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाहट है आप उनको अपने अलामात ज़बानी बता सकती हैं इसके अलावा अगर मेल नहीं होते तो उधर फीमेल डॉक्टर्स होंगी नहीं है तो आप किसी फ़ीमेल डॉक्टर का पूछ कर उनके पास जाकर आप आपना करवाएँ मुआना कराने से क्या होगा दो चीज़ें होंगी या तश्खीस हो जाएगी कि आपको मसला है या तश्खीस हो जाएगी कि आपको मसला नहीं है तो इन दो चीज़ों को काइंडली डिले मत करिएगा हमारी ख़ुतान का एक बहुत अलमिया है कि जब तक वो अपने आप को इतना इग्नोर करती हैं अपनी हेल्थ को कि जब तक एक चीज़ बहुत बढ़ ना जाए वो अस्पताल नहीं आती और एक जो टिपिकल हम डॉक्टर्स एक चीज़ जो फेस करते हैं वो ये होता है कि मरीज़ उस वक्त अस्पताल आता है जब उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है और फिर आके कहते हैं कि हॉस्पिटल में आया और कोई फ़र्क ना पड़ा डॉक्टर ने इलाज ना किया ये कुछ जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी से ही कोई मसला महसूस हो रहा है आप वक्त ही जाएँ अगर आपको कोई चीज़ चुभ रही हो खिंच पड़ी हो आप ज़रूर जाएं अपने घर वालों को बताएं ये मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर की कुछ अलमात बताई हैं अब इसके अलावा आप खातें अपना मुआयना कैसे कर सकती हैं मुआयने के लिए इंटरनेट पे बहुत वीडियोस मौजूद हैं आप वो ज़रूर देखें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप शीशे में खड़े होकर अपना मुआयना करें प्रॉपर शर्ट उतार के फिर आप उसमें आप देखें कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी दोनों छाती आपस में बराबर हैं कोई ऊपर नीचे नहीं हुई हुई कोई कोई दिखने में घुलटी नहीं बन रही कोई जल्द किसी जगह पर सखड़ी हुई नहीं है कोई आपको लग रहा है जल्द का हिस्सा कोई लाल तो नहीं हुआ हुआ आपने अपने आपको मुआयना किया फिर आपने तकरीबन तीन उंगलियाँ ली हैं और उससे आपने जैसे अपनी जिल्द के ऊपर रख के इस तरह महसूस किया है कि कोई गिल्टी तो नहीं है अंदर आपने अपनी बगल से शुरू करना है और पूरी छाती को सर्कल की तरह करना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरफ घुमा के 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 और इसी तरह दोनों तरफ देखना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट लगते हैं और कम से कम तो आप चाहें तो एक दो मिनट भी कर सकते हैं लेकिन ये ये पाँच मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले पाँच मिनट होंगे अगर आप इनको सीरियसली करें तमाम वो हजरात जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ख़्वीन के बच्चे हैं उनके बेटे हैं उनके मर्द हजरात जो वीडियो देख रहे हैं मैं आप उन लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि अपनी खातन को घर में ये वीडियो दिखाएं अगर उनके पास मोबाइल्स नहीं हैं अगर उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है आप इनको वीडियो दिखाएं वीडियो नहीं दिखाते तो आप उनको ये पैगाम समझाएं कि ये क्यों ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक एक मिस नॉर्म है कि ये हो जाता है तो मौत वाकई हो जाती है ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज है अगर बशर्ते वक्त पर इसको तशखीस किया जाए वक्त पे तशीस तभी होगी जब ख़वात अपना ध्यान देंगी अपने आप पे ध्यान देंगी अपना ख़ुद मुआयना करती रहेंगी हफ्ते में पाँच मिनट अपने निकालना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है कोशिश करें तो वो निकल सकते हैं आप अपने आप को टाइम दें अपना मुआना करें और आप देखें कि कोई ना कोई मसला बन रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वही बात क्या होगा डॉक्टर बता देगा सब ठीक है तो ये एक तसल्ली है जिसको अगर तसल्ली हो जाए तो आपको तसल्ली होती है अच्छा ये नॉर्मल होता है तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और तमाम ख़वीन क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज़रूरी नहीं होता कि वो बड़ी उम्र की खातन में हो पोस्ट मीनोपोसल खातन में हो ज़रूरी नहीं होता वो आजकल छोटी बच्चियों में भी आ रहा है तो ये आपने काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखना है अपना मुआयना करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें इसको शेयर करें क्योंकि सदका जारिया है अगर इस एक वीडियो की वजह से किसी के ख़ानदान की कोई औरत बच सकती है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदका एजारिया कोई नहीं होगा बहुत बहुत शुक्रिया मैं डॉक्टर नायब शफान और ये मैसेज मैं दे रही थी कि पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया